गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है। गर्मियां शुरू होते ही आम को सूंघते ही मुंह में पानी आने लगता है। फलों का राजा आम अब आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आम के पेड़ में लगने वाली थ्रिप्स की लगभग 20 प्रजातियां फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे आम की बागानी करने वाले बहुत परेशान हैं। इस कीट से उत्पादन में कमी आती है। बता दें, इसमें सीटोथ्रिप्स डॉर्सेलिस उत्तर प्रदेश में अधिकता से पाया जाता है। इसका प्रकोप मार्च अप्रैल माह में आरंभ होता है और जुलाई में नई पत्तियों के निकलने तक जारी रहता है। इसके प्रकोप से फल को भी नुकसान होता है। आम की पत्तियों, नई कलियों और फूल पर इसका प्रकोप होता है, इसलिए किसान समय पर इससे निपटने का काम करें। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार के अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक एवं एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर एस के सिंह ने बताया कि आम पर हमला करने वाला थ्रिप्स कीट सतह को खरोच कर तथा पत्ती आदि का रस चूसता है, जिससे छोटे फल गिर जाते हैं और बड़े फलों पर भूरा खुरदरा धब्बा पड़ता है। जैसे जैसे फल पकने लगता है, फल के प्रभावित भाग में छोटी छोटी दरारें भी दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों का मुड़ना, बौर का सूखना भी इसी कीट के हमले के कारण ही होता है। नई पत्तियों पर इसका अधिक प्रकोप होता है, लेकिन बिहार में इस समय तक इसका कोई प्रकोप देखने को नहीं मिला है, जबकि इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप खूब देखने को मिल रहा है। कैसे करें उपाय? यदि इसका प्रकोप देखने को मिले तो नवंबर दिसंबर माह में खेत की गहरी जुताई करने से इस कीट के प्यूपा जमीन से बाहर निकलते हैं और सूख जाते हैं या अन्य कीटों द्वारा उन्हें खा लिया जाता है। इस कीट की शुरुआती अवस्था में आवश्यकता अनुसार स्पाइनोसेड 44.2 SC 1 मिली आधा लीटर पानी में तथा साथ ही स्टिकर 0.3 मिली प्रति लीटर डालकर मार्च अप्रैल में छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद थायमेथोक्सम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करने से इस कीट की उग्रता में भारी कमी आती है और किसानों को अपनी आम की खेती को बचाने में कामयाबी मिल सकती है। इसका सीधा सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा, यानी अच्छी कमाई भी होगी।